अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे वीपीएन के बारे में। कई मेरे भाई पूछते हैं मेरे से कि सऊदी अरबिया में वीपीएन इस्तेमाल करना बैन है, इल्लीगल है या नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि वीपीएन का वो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये इल्लीगल है या नहीं है। तो इन सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। VPN के बारे में समझते हैं सिंपल तरीके से। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, VPN एक मास्टर की तरह होता है। ये एक डिजिटल की है। नॉर्मली हम लोग कोई चीज़ को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम इसी तरह से VPN का इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स होते हैं उसको ओपन करने के लिए। अब देखिए, VPN को समझने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सऊदी हुकूमत ने 600 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स को बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो सारे वेबसाइट्स सऊदी अरबिया का जो साइबर लॉ है उसको फॉलो नहीं करता। इसके वजह से वो सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है। कौन कौन सा वेबसाइट्स? एग्जाम्पल पे जितने भी पोर्न वेबसाइट्स होते हैं, गंदी वीडियो वाली जितना भी वेबसाइट्स है वो सारा ब्लॉक है। इसके अलावा टिंडर जो ऑनलाइन डेट करने वाली वेबसाइट्स हैं, ये सब भी बैन है। क्या ज़माना आ गया, ऑनलाइन भी डेट किया जाता है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इसके अलावा जो वेबसाइट्स गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है, जैसे क्राइम, स्कैम, फ्रॉड, किसी का प्राइवेसी लेना, इस तरह का 600 से ऊपर वेबसाइट्स है जो बैन है सऊदी अरब में। तो उन सारे वेबसाइट्स को ओपन कैसे किया जाता है? VPN का मदद लेकर के। बहुत सारा VPN भी ब्लॉक है सऊदी अरब में, लेकिन कुछ VPN आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। कुछ VPN तो लोग यूजुअली यूज़ करते हैं व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए और अदर पर्पस से। तो देखिए, जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स है वो सबको अगर VPN के जरिए कोई खोलता है तो ये आ जाता है सऊदी अरब का साइबर क्राइम के अंदर। फिर उस बंदे के ऊपर सज़ा होगी जो साइबर क्राइम में आएगा वो। अब देखिए, मैं ये भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, साइबर क्राइम में अगर आप पकड़े जाते हो सऊदी अरब में तो 5 लाख रियाल का जुर्माना है। अब रहा सवाल जो व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है VPN का, तो क्या ये भी इल्लीगल है सऊदी अरब में? और जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं VPN का, क्या ये भी इल्लीगल है सऊदी अरब में? तो मेरे भाई देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं VPN का इस्तेमाल करके, वो लोग साइबर को हैक करते हैं। तो ये सरासर इल्लीगल है सऊदी अरब में। पुलिस अगर देखेगा बिल्कुल पकड़े जाओगे। अब रहा सवाल व्हाट्सअप कॉलिंग का, तो देखिए मेरे भाई, मैं आप लोग को बता दूं, VPN का इस्तेमाल करना ही ममनू है सऊदी अरब में। सऊदी अरब का जो साइबर सिक्योरिटी का लॉ है उसमें साफ मना किया गया है VPN का इस्तेमाल करना। अब ये अलग बात है कि प्ले स्टोर में आपको VPN मिल जाता है। प्ले स्टोर में आपको VPN मिल जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप खुलेआम VPN का इस्तेमाल करो। अब देखिए, आप लोग जब गूगल में ये चीज़ सर्च करेंगे या फिर कोई न्यूज़ चैनल्स में पता करने के लिए कि क्या सऊदी अरब में VPN का इस्तेमाल करना इलीगल है या नहीं, तब आपको वहाँ पे डिफरेंट आंसर मिलेगा। गूगल में साफ ये लिखा हुआ है कि VPN का इस्तेमाल करना इलीगल नहीं है अगर आप फेयर के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो। अगर आप फेयर यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सऊदी अरब में। अब फेयर यूज़ किसको बोलेंगे? जिससे आपको कोई नुकसान ना हो या फिर सऊदी अरब का जो कानून है उसको कोई इफ़ेक्ट ना पड़ता हो। ये हो गया फेयर यूज़। अनफेयर यूज़ कौन सा हो गया? जो ब्लॉक्ड वेबसाइट से या जिससे आप क्राइम कर रहे हो वो अनफेयर में हो गया, वो कर रहे हो तो वो फिर इलीगल है, ये कहना है गूगल का। वहीं पे रिसर्च करते करते मुझे कुछ न्यूज़ अखबार से खबर मिली, द लाइफ इन सऊदी अरबिया, उनका ये कहना है कि VPN का इस्तेमाल करना ही ममनू है सऊदी अरब में, चाहे फेयर यूज़ के लिए कर रहे हो या फिर अनफेयर यूज़ के लिए कर रहे हो। यही चीज़ अगर आप दुबई के लिए देखेंगे, UAE के लिए, तो UAE हुकूमत का ये कहना है कि VPN का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो फिर वो इलीगल माना जाएगा। अगर कोई नॉर्मल फेयर यूज़ के लिए कर रहा है तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आप लोग को ये भी बताता चलो, VPN का इस्तेमाल करके ही बैंकिंग फ्रॉड्स की जाती है। आपका जो बैंक अकाउंट साफ़ कर दिया जाता है हैकर्स द्वारा, ये सब चीज़ VPN के द्वारा ही होता है। वो लोग VPN से पहले अपना जो आइडेंटिटी है उसको छिपाते हैं, लोकेशन को ही वो लोग बदल देते हैं VPN को कनेक्ट करके। वो लोग रहते सऊदी अरब में ही हैं, लेकिन सऊदी अरब का लोकेशन नहीं दिखाएगा, VPN जर्मनी उधर का दिखाएगा। ये सेटिंग रहता है VPN में, आप लोग भी देखना अगर कभी यूज़ किए हो तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करूँगा VPN को लेके जो भी डाउट थी आप लोगों के दिमाग में वो सारा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट बचा हुआ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।